हिमाचलपुर समीपवर्ती ग्राम लिम्बोदा में मंगलवार रात्रि में राजगढ़ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में राजगढ़ व हिमाचलपुर की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ी, जिसे आरोपी कांग्रेस नेता फूल सिंह पिता नारायण सिंह गुजर अपने घर में ही संचालित करता था। आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने पूछताछ में अपने साझेदार राम गोपाल वर्मा का नाम भी लिया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। आरोपी के पास से शराब और शराब बनाने के उपकरण सहित करीब 1 करोड़ रुपए का सामान जब्त किया। आप देख रहे हैं राजगढ़ जिले के माचलपुर से प्रदीप बंसल की रिपोर्ट। अभी पूरा शासन प्रशासन पुलिस आप लोग मीडिया कर्मी जनता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना के अगेंस्ट जो लड़ाई है उसमें सभी लोग अपना योगदान दे रहे हैं। इसी बीच कुछ लोगों के बारे में सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा शासन के जो नियम हैं कि 3 मई तक सभी प्रकार का शराब का परिवहन और विक्रय बंद रहेगा, कुछ लोगों का सूचना प्राप्त हो रही थी कि इनके द्वारा शराब अवैध शराब जो है वो बेची जा रही है, इसका परिवहन भी किया जा रहा है। इस सूचना को हम लोगों ने डेवलप करने का प्रयास किया और इसी बीच जब हमने इसके सोर्सेज निकाले तो ये संज्ञान में आया कि मुजफ्फरपुर थाना क्षेत्र के गाँव लिम्बोदा में फूल सिंह गुर्जर हैं, इनके यहाँ पर इस तरह का एक अवैध बॉटलिंग प्लांट लगाया गया है, जहाँ पर कई अलग अलग, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अलग अलग ब्रांड्स का अंग्रेजी और देसी शराब, इन दोनों को बॉटलिंग की जा रही है, सील किया जा रहा है, इनके लेबल्स लगाए जा रहे हैं और इनकी सप्लाई की जा रही है। इस पूरी सूचना को डेवलप करने के बाद हम लोगों ने एक स्पेशल टीम तैयार करी, जिसे कल रात में यहाँ पर दबिश दी। दबिश के दौरान हमें फूल सिंह गुर्जर को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके एक सहयोगी हैं गोपाल उर्फ रामगोपाल कलाल, ये सोयत के रहने वाले हैं, ये भी इस धंधे में शामिल हैं। इनके ऊपर भी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। जो हम लोगों ने वहाँ देखा, जो वहाँ पर करीबन एक बड़ा इनका बरामदा है जिसमें ये पूरा बॉटलिंग प्लांट ऑपरेट किया जा रहा था। आश्चर्य की बात यह है कि इनके पास करीबन 17 बड़े बड़े जो ड्रम्स हैं वो स्पिरिट के उपलब्ध है। ये स्पिरिट जैसा पदार्थ है, हमारे साथ जिला आबकारी अधिकारी वीरेंद्र धाकड़ भी मौजूद है। स्पिरिट जैसा पदार्थ है, करीबन 3,500 लीटर ये स्पिरिट है, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 70 लाख के आसपास है। इसको अलग अलग टाइप के फ्लेवर्स के साथ मिक्स करके इनके द्वारा अलग अलग ब्रांड्स की अंग्रेजी शराब और देसी शराब दोनों बनाया जा रहा था, और उसमें जो खाली बॉटलें हैं इसमें करीबन हमें 25 से 30 हज़ार खाली कांच की बॉटलें और खाली प्लास्टिक की बॉटलें और ढक्कन जो अलग अलग ब्रांड्स के हैं, अलग अलग डिस्टिलरीज के हैं, वो मिले हैं, जिसमें ये उस टेस्ट के हिसाब से उसको भर के और एक सील करने की मशीन मिली है, जिससे लगातार सील किया जा रहा था। साथ ही करीबन 70 पेटी के आसपास यहाँ पर हमें सील बंद मदिरा मिली है, जो अंग्रेजी भी है, जो हिंदी भी है और अलग अलग ब्रांड्स की है, देसी भी है। आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेडमार्क का भी उल्लंघन है, बिना इनको कोई लाइसेंस इस तरह का प्राप्त नहीं था, ना इनको किसी तरह से कोई अधिग्रहित किया गया था, तो इसमें हमने इस बार ट्रेडमार्क एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की है। और क्योंकि ये इस तरह के फॉल्स ट्रेडमार्क को यूज़ करते हुए फॉल्स इन्होंने प्रोडक्ट को क्रिएट किया था, तो इसमें धारा 420, 467, 468, 471, 475 और क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है और उसमें जो इन्होंने पब्लिक हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया है, तो पब्लिक हेल्थ को देखते हुए 269-270 IPC के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही यहाँ पे कुछ विषैले पदार्थ भी प्राप्त हुए, इसलिए 34(2) और 49 आबकारी अधिनियम के भी मामले दर्ज किए गए। साथ ही 51 ट्रेडमार्क एक्ट और माननीय कलेक्टर महोदय जो द्वारा जो 144 का आदेश निकाला गया उसको उल्लंघन में धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की गई है। इसमें जो दोनों हमारे मुख्य आरोपी हैं, फूल सिंह पिता नारायण सिंह गुर्जर उम्र 55 वर्ष निवासी ग्राम लिम्बोदा थाना माचलपुर, जिनके परिसर में ये चल रहा था, इनके ऊपर पुराने 2 मामले दर्ज हैं, एक हत्या और हत्या का प्रयास का है और दूसरा शासकीय कार्य में बाधा का है। दूसरा जो आरोपी अभी फरार है, जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, हमारी जैसे हम बात कर रहे हैं तो हमारी एक टीम इसमें रवाना भी है,
उसके वो पुराना ब्लैकर हैं और उनकी पुरानी शोहरत है कि वो इस तरह के अवैध शराब के धंधों में लिप्त रहे हैं। इनके ऊपर 2016 और 2019 में 34 दो और जहरीली शराब के दो मामले दर्ज किए जा चुके हैं माचलपुर और झालावाड़। अभी इस पे और भी बहुत पूछताछ की जाएगी, हमारे कई टीम्स इस पे लगी हुई हैं कि इनका ये जो धंधा है ये राजगढ़ से कहाँ कहाँ ये लोग सप्लाई करते थे। जो प्रथम दृश्य हम लोगों को समझ में आ रहा है कि झालावाड़, आगर और आसपास के जितने ज़िले हैं वहाँ भी इसकी सप्लाई जारी थी और इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था उस स्तर पर अभी हमारी विवेचना जारी है। इस टीम में SDOP खिलचीपुर मैडम और थाना प्रभारी माचलपुर, इनके समस्त स्टाफ और जो हमारी विशेष टीम है जो जिला राजगढ़ से आई थी, इनके द्वारा बहुत अच्छी कार्रवाई की गई, इसलिए 10,000 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की जा रही है। मुझे राजनीति व्यवस्थापूर्वक फंसाया गया। जो आदमी गोपाल बाबू नाम के आदमी से पटा के हमारे एंटी ग्रुप के लोगों ने, हो सकता है कि मेरे से मेरा गोडाउन वेयरहाउस उसे कबाड़े का नाम देकर किराए से दिया और फिर मुझे कंप्लेंट कर।